बवाल मचा हुआ है, घमासान मचा हुआ है, इसलिए हम लोग उसको इंडिया नहीं घमंडिया कहते हैं। मैंने तो बताया अपराधी फल फूल रहे हैं, अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही है, लगाम नहीं लगाया है किसी अब किसी तरह के अपराध पर, अपराधी छुट्टा घूम रहे हैं। एक तरफ जहां एनडीए और इंडिया गठबंधन की चर्चा चल रही है, तो वहीं एक चर्चा और गंभीरता के साथ 18 जुलाई के बाद शुरू हो गई है, और वो चर्चा है कि चाचा पारस और भतीजा चिराग के बीच क्या होगा। आज जब चिराग पासवान ने संसद में जम करके अपनी बात रखी और उस बात में उन्होंने जिस तरह का अपना तेवर दिखाया, उसके बाद से बहुत कुछ बदल गया, यहाँ तक कि चाचा के तेवर भी बदल गए और चाचा की भाषा भी बदल गई। सुनिए क्या कह रहे हैं जब चिराग पासवान पर हमारे रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि आखिर क्या सब कुछ ठीक ठाक है, और चिराग पासवान ने जिस तरह से सदन में अपनी बात रखी उससे आप क्या समझते हैं और किस तरह का इत्तेफाक रखते हैं, इस बात पर जम करके बोले मनीष जी। और सुनिए जो प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के, उन्होंने खुल करके अपनी बात बताई, क्या कह रहे हैं खुद सुन। आज चिराग पासवान संसद में इंडिया गठबंधन पर हमला बोला है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए चिराग जी अब एनडीए के घटक दल में शामिल हैं, तो बट ऑब्वियस है कि वो विरोध करेंगे। कल तक गुणगान कर रहे थे, लालू जी को अपना गार्जियन बता रहे थे, तेजस्वी को छोटे भाई बता रहे थे, लेकिन आज जब परिस्थिति बदली तो मौका परस्ती किसको कहते हैं, ये चिराग जी सबसे बड़े उदाहरण हैं। मौका परस्ती, कल तक लालू जी के गोद में झूला झूल रहे थे, गार्जियन बता रहे थे, आज उन्हीं के खिलाफ हैं। आज अब तो चिराग पासवान हाजीपुर से अपनी माँ को भी चुनाव में उतार रहे हैं। देखिए कौन कह रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। एनडीए में हम लोग घटक दल हैं और हाजीपुर हमारा सीटिंग सीट है, सीटिंग सीट पे कॉम्प्रोमाइज कैसे होता है? कोई चिराग जी से पूछे, वो बार बार गठबंधन मर्यादा को तार तार कर रहे हैं। तो क्या उनको अमित शाह ने एश्योर किया है या ऐसे ही हवाबाजी करे? मैं बार बार करता हूँ कि हाजीपुर बहाना है, कहीं उनका और निशाना है, उनको हाजीपुर से कोई लगाव नहीं है। यही चिराग पासवान जब पहली बार सांसद बने थे तो हाजीपुर के लिए 12 जनपद का दरवाज़ा उन्होंने बंद कर दिया था। जितने गरीब दबे कुचले लोग वहाँ इलाज के लिए जाते थे या किसी पर्पस से जाते थे, एक आउट हाउस होता था जहाँ हाजीपुर के लोग या बिहार के लोग रहते थे। एक ज़माने में कहा जाता था कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का दरवाज़ा कभी बंद नहीं रहता था, रात के 2 बजे भी कोई जाता था तो दरवाज़ा खुला उनको मिलता था, और उस दरवाजे को चिराग पासवान ने बंद करवाने का काम किया है। तो आज किस मुँह से हाजीपुर की बात कर रहे हैं? लेकिन चिराग पासवान कह रहे हैं कि हम अपनी माँ को हाजीपुर से और हम जम्मू से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखिए पहले तो खुद कह रहे थे कि चुनाव लड़ेंगे, अब माननीय रीना पासवान जी का नाम लिया है, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं इसलिए हम इस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन उनका ये बयान बिल्कुल बचकाना है, नौसिखिया है। जब सिटिंग सीट हमारा है तो वो दावेदारी कैसे कर सकते हैं? लेकिन हाजीपुर से एक और हैं उनके चाचा, वो भी दावा ठोक रहे हैं कि हम भी हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। चाचा तो वहाँ सिटिंग है, मैं बार बार कह रहा हूँ गठबंधन में सिटिंग सीट पे कोई बातचीत नहीं होती है, हमारे पाँचों सीट हमारे लिए सुरक्षित है जिस पे कोई बातचीत नहीं होगी। क्या लग रहा है कि चिराग पासवान एनडीए में शामिल होकर जहाँ भी जा रहे हैं काफ़ी भीड़ उनको देखने के लिए जुट रहा है? देखिए भीड़ वोट का पैमाना नहीं होता है, अगर भीड़ वोट का पैमाना होता तो लगभग 8-10 उपचुनाव हुए हैं, चिराग पासवान को निश्चित 1-8 सीट जरूर मिलता, लेकिन सब सीटों पर जमानत होना इस बात का प्रमाण है कि भीड़ देखने के लिए आती है, भीड़ वोट में कन्वर्ट नहीं होता है। उनको तो 6 सीट दिया जा रहा है, उन्होंने 6 सीट मांग की है। देखिए मांग करने के लिए तो वो 40 सीट मांग कर सकते, वो पहले भी कह चुके हैं कि हमारा 40 सीट पर डिमांड है, 40 सीट पर तैयारी है। मांगने से क्या होता है? मांगने के लिए अगर हम मांगेंगे कि हमारा 400 सीट मिल जाए तो मिल जाएगा क्या? गठबंधन का एक नियम होता है, एक धर्म होता है, उसी दायरे में सबको बात करना चाहिए, दायरा पार नहीं करना चाहिए। चिराग पासवान आज सांसद में खूब गरजे हैं और बोले हैं कि हम किसी को नहीं बख्शेंगे और हम एनडीए के साथ में हैं। तो एनडीए के साथ में है, अच्छी बात है।
लेकिन मौका परस्ती का उदाहरण तो वो साफ है। कुछ दिन पहले मैंने आपको जैसा बताया, लालू जी के गोद में खेल रहे थे, आज एनडीए का गुनगा रहे हैं, तो जिधर रस उधर घस का उनका हिसाब किताब है। अनुराग ने कहा है कि 90 के दशक से ऐसी घटनाएं हो रही है, इस पर चर्चा गठबंधन को करना चाहिए। इतने दिन सोए हुए क्यों थे चिराग पासवान? जंगल राज पार्ट टू है, हम लोग कई बार कह रहे थे, और जब एनडीए में शामिल नहीं हुए थे तो यही चिराग पासवान को जंगल राज दिखाई नहीं दे रहा था। इसको बोलते थे कि घटनाएं होते रहती है। आज उसको हम लोग तो बराबर कह रहे हैं कि ये जंगल राज टू आ गया। लालू जी के बाद आज नीतीश जी, जब से एक साल में, पिछले एक साल से जब उन्होंने राजद का दामन थामा है, लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। रोज़ कहीं लूट, कहीं बलात्कार, तो कहीं हत्या हो रही है। 100 से ज़्यादा एक साल में हत्या हो चुकी है। अभी अररिया में हाल के दिनों में एक पुरुष को पेड़ से बांधकर उसकी महिला के साथ, उसकी पत्नी के साथ बलात्कार किया गया। अरवल में बलात्कार की घटना हुई, घर को जला दिया गया। आज हमारे सांसद प्रिंस पासवान जी ने भी इस मुद्दे को संसद में उठाया है और बताया है कि किस तरह से INDIA दोहरी नीति और दोगली नीति कर रही है। आज महागठबंधन का मतलब, यानी कहिए नीतीश सरकार और तेजस्वी सरकार की एक साल पूरा हो गया, इसको कैसे देख रहे हैं आप? मैंने तो बताया, अपराधी फल फूल रहे हैं, अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही है, लगाम नहीं लगाया है किसी तरह के अपराध पर, अपराधी छुट्टा घूम रहे हैं। इससे बड़ा और क्या प्रमाण होगा कि जंगल राज की वापसी हो गई है। एक साल के कामकाज को आप कैसे देख रहे हैं? लिपा पोती, रूठना मनाना, कभी नीतीश जी नाराज होते हैं, कभी तेजस्वी जी नाराज होते हैं। बेंगलोर से भागे भागे आए कि राजगीर का मेला है, उसी राजगीर के मेले में मंत्री आलोक कुमार गायब, तेजस्वी यादव गायब, लगातार दोनों दल के विधायक और मंत्री एक दूसरे पर छींटाकशी कर रहे हैं। तो गठबंधन में कहीं ना कहीं बवाल मचा हुआ है, घमासान मचा हुआ है, इसलिए हम लोग उसको इंडिया नहीं घमंडिया कहते हैं। घमंडिया यानी घमासान मचा हुआ है INDIA में। क्या लग रहा है, बिहार में फिर से जंगल राज आ गया? निश्चित तौर पे आ गया। एक साल पहले जिस दिन गठबंधन हुआ, उसके अगले दिन से देखिए, एक लड़की को राह चलते गोली मार दिया गया। अपराधियों का मनोबल हाई लेवल पे है। तो गठबंधन के आते ही अगर जंगल राज वापसी नहीं आया, इसका प्रमाण इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है कि 100 से ज़्यादा हत्याएं हो चुकी हैं, लूट बलात्कार बढ़ गया है। क्या नाम हुआ सर? मनीष आनंद, प्रवक्ता RLJP। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर वह मुफ्त में मिल जाए। अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर